सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टॉप काउंटडाउन में। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 10 सबसे डरावनी हॉरर फिल्में जिनमें से मोस्ट ऑफ दी मूवीज हिंदी लैंग्वेज में ही अवेलेबल है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। तो हमारी फर्स्ट मूवी है बाबेरियन। ये 2022 में आई एक हॉरर ड्रामा मूवी है। इस मूवी में कहानी दिखाई गई ऐसे घर की जो कि सुनसान जगह पर होता है और वहाँ पर एक लड़का और एक लड़की रहने जाते हैं, लेकिन वहाँ जाते ही उनके साथ अजीब सी मिस्टीरियस चीज़ें होने लगती है। अब आगे आखिर उस घर में ऐसा क्या होता है, क्या ये लोग वहाँ से ज़िंदा बचकर निकल पाते हैं या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको इस मूवी को पूरा एंड तक देखना होगा। 1 hour 42 minutes की ये मूवी 7 out of 10 IMDb रेटिंग के साथ Amazon प्राइम पर हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो हमारी नेक्स्ट मूवी है टॉक टू मी। ये 2022 में आई एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है। इस मूवी में कहानी दिखाई है कि ऐसे हाथ की इसे पकड़कर टॉक टू मी कहने पर उसे एक आत्मा नज़र आती है जिनसे वो कोई भी सवाल कर सकते हैं, लेकिन 90 सेकंड्स तक इसकी लिमिट होती है। उनसे ज़्यादा उससे लिंक होने पर वो आत्मा उसके शरीर पर कब्जा कर लेती है। ऐसे में एक बच्चा जो कि 2 मिनट से ज़्यादा एक आत्मा से लिंक होने पर बहुत ही अजीब बिहेव करने लगता है और वो खुद को बहुत ज़्यादा चोट पहुँचाने लगता है, जिसके बाद सभी लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। अब आखिर उस बच्चे के साथ क्या होता है, ये सब जानने के लिए आपको इस मूवी को पूरा एंड तक देखना होगा। 1 hour 35 minutes की ये मूवी 7.2 out of 10 IMDb रेटिंग के साथ Amazon प्राइम पर हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो हमारी नेक्स्ट मूवी है कॉबवेब। ये 2023 में आई एक हॉरर सस्पेंस मूवी है। इस मूवी में कहानी दिखाई एक फैमिली की जो कि एक पुराने घर में अपने एक छोटे बेटे के साथ रहती है और वो अपने बच्चे को घर से बाहर निकलने नहीं देते क्योंकि पहले भी वहाँ हॉलोवीन में एक बच्चा गायब हो चुका था। उसके बेटे को रात में उसके कमरे से एक लड़की की आवाज़ आती है जो कि उससे मदद मांगती है और उसे उसके पेरेंट्स के बारे में कुछ चीज़ें बताती है, जिसे सुनने के बाद ये बहुत ज़्यादा डर जाता है। अब आखिर उसे मदद के लिए कौन पुकारती है और उसके पेरेंट्स का सच क्या होता है, ये सब जानने के लिए आपको इस मूवी को पूरा एंड तक देखना होगा। 1 hour 28 minutes की ये मूवी 6 out of 10 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो हमारी नेक्स्ट मूवी हेरेडिटरी है। 2018 में आई एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है। इस मूवी में कहानी दिखाई एक फैमिली की जिसकी मॉम गुजर जाती है और उसकी बेटी भी एक एक्सीडेंट में बहुत ही बुरी तरीके से मारी जाती है, जिसके बाद उसे आत्मा से बात करने के बारे में पता चलता है और वो अपनी बेटी से बात करना चाहती है, लेकिन जब से वो अपनी बेटी से बात करती है उस दिन से उसके घर में बहुत ही अजीब सी मिस्टीरियस चीज़ें होने लगती है और उसका बेटा उससे बहुत ज़्यादा डरने लगता है। अब उस घर में ऐसा क्या होता है और क्या वहाँ से कोई ज़िंदा बच पाता है या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको इस मूवी को पूरा एंड तक देखना होगा। 2 hour 7 minutes की ये मूवी 7.3 out of 10 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो हमारी नेक्स्ट मूवी एविल डेड राइज। ये 2023 में आई एक हॉरर फैंटेसी मूवी है। इस मूवी में कहानी दिखाई एक फैमिली की जो कि नॉर्मली तरीके से रह रही होती है, लेकिन एक दिन उसके बेटे को किसी खंडर से एक बुक और एक कैसेट मिलती है जिसे वो अपने घर ले आता है, जिसके बाद एक आत्मा उसके घर आ जाती है और उसके मॉम के शरीर पर कब्जा कर लेती है, जिसके बाद उसकी मॉम उस बिल्डिंग में रहने वाले हर एक इंसान को एक एक करके मारने लगती है। अब क्या वहाँ से कोई बचकर निकल पाता है या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको इस मूवी को पूरा एंड तक देखना होगा। 1 hour 36 minutes की ये मूवी 6.5 out of 10 IMDb रेटिंग के साथ Amazon प्राइम पर इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो हमारी नेक्स्ट मूवी है प्रे फॉर द डेविल। ये 2022 में एक हॉरर ड्रामा मूवी है। इस मूवी में कहानी दिखाई एक नन की जो कि चर्च के हॉस्पिटल में मरीजों का ध्यान रखती है, तभी उसे वहाँ एक बच्ची नज़र आती है जिसमें बुरी आत्मा का साया होता है, जिसे बचाने के लिए वो एग्जॉर्सिज्म का काम सीखना चाहती है। अब क्या वो उस बच्ची को बचा पाती है या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको इस मूवी को पूरा एंड तक देखना होगा। 1 hour 33 minutes की ये मूवी 5.3 out of 10 IMDb रेटिंग के साथ Amazon प्राइम पर इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो हमारी नेक्स्ट मूवी इनसीडियस द रेड डोर। ये 2023 में आई एक हॉरर ड्रामा मूवी है। इस मूवी में कहानी दिखाई एक बाप और एक बेटे की जो कि भूत से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो अपनी मेमोरी से इस बात को इरेज कर देंगे कि वो भूतों से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ताकि वो अपनी लाइफ अच्छी तरीके से जी सके। लेकिन कई साल गुजर जाने के बाद उसकी याददाश्त धीरे धीरे वापस आने लगती है, जिसके बाद उसका बेटा एक ऐसा दरवाज़ा बना देता है जिसके बाद उसके साथ बहुत ही अजीब सी चीज़ें होने लगती है। अब आगे आखिर उन लोगों के साथ ऐसा क्या होता है, क्या वो लोग बच पाते हैं या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको इस मूवी को पूरा एंड तक देखना होगा। 1 hour 47 minutes की ये मूवी 5.5 out of 10 IMDb रेटिंग के साथ नेटफ्लिक्स पर हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो हमारी नेक्स्ट मूवी है द विच। ये 2015 में आई एक हॉरर ड्रामा मूवी है। इस मूवी में कहानी दिखाई एक फैमिली की जिसे उसके गांव से निकाल दिया जाता है, जिसके बाद वो लोग एक सुनसान जगह पर रहने लगते हैं। एक दिन उसका सबसे छोटा बेटा गायब हो जाता है और उसके बच्चे बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव करने लगते हैं, जिसके बाद वो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और उन लोगों को लगता है कि ये सब किसी चुड़ैल ने किया है। अब आखिर ऐसा कौन कर रहा होता है, क्या उन लोगों में से कोई ज़िंदा बच पाता है या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको इस मूवी को पूरा एंड तक देखना होगा। 1 hour 32 minutes की ये मूवी 7 out of 10 IMDb रेटिंग के साथ Amazon प्राइम पर हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो हमारी नेक्स्ट मूवी द नन 2। ये 2023 में आई एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है।
इस मूवी में कहानी दिखाई है एक घोस्ट नन की जो कि अलग अलग चर्च में जाकर प्रीस्ट को मारने लगती है। तभी एक प्रीस्ट एक नन को उस घोस्ट को रोकने के लिए कहता है क्योंकि वो पहले भी एक घोस्ट नन से लड़ चुकी होती है। अब क्या वो नन उसे हरा पाती है या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको इस मूवी को पूरा एंड तक देखना होगा। 1 hour 50 minutes की यह मूवी 5.7 out of 10 IMDb रेटिंग के साथ Amazon प्राइम पर हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो हमारी नेक्स्ट मूवी है सिस्टर डेथ, 2023 में एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है। इस मूवी में कहानी देखे एक नन की जिसे एक चर्च में बच्चों को पढ़ाने का काम मिलता है, लेकिन उसके चर्च में जाते ही उसके साथ अजीब सी चीज़ें होने लगती है और उसे उस चर्च के बारे में कुछ डार्क सीक्रेट्स के बारे में पता चलता है। आखिर उसे ऐसा क्या पता चलता है, यह सब जानने के लिए आपको इस मूवी को पूरा एंड तक देखना होगा। 1 hour 30 minutes की यह मूवी 5.8 out of 10 IMDb रेटिंग के साथ नेटफ्लिक्स पर हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो आज के लिए बस इतना ही, और आपको इनमें से कौन सी मूवी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।